ट्रिग्नोमेट्री ये हजार क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग हजार क्वेश्चंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है और जितने भी शॉर्ट ट्रिक है उन सबको हम लोग जो है कवर करेंगे, जिसमें से पहला रूल ये है, यदि लगातार दो टेन टेन अल्फा टेन बीटा लगातार दो भी टेन का मल्टीप्लाई यदि वन है, ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा और बीटा का टोटल 90 डिग्री है। यही प्रोसीजर यदि कॉट अल्फा कॉट बीटा का मल्टीप्लाई यदि वन है, ये पॉसिबल तभी है जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्यों होता है, जैसे 10, 10 और 10 80, 80 और 10 दोनों का टोटल कितना है 90। इन्हें हटा के 10 90 नहीं लिखेंगे, इन्हें हटा के 10 90 नहीं लिखेंगे, इन्हें हटा के 10 90 नहीं लिखेंगे। ये कैसा है, गलत है। दोनों का टोटल 90 है, इसके अलावा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। 10 को यदि बदला जाए किसमें, कॉट में। 10 थीटा को यदि कॉट में चेंज करना है तो 90 में से माइनस करते हैं। 10 80 90 माइनस करो, 90 माइनस 80 कितना आएगा 10। ये दोनों एंगल कैसे हो गए सेम, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1। 10 10 10 को इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 10 10 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ रही 1। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी क्वेश्चन में लगातार 10 में मल्टीप्लाई दिया जाए, प्लस के बारे में बात नहीं कर रहे, लगातार मल्टीप्लाई दिया जा रहा और दोनों का टोटल यदि 90 है, तो हम लोग उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन है 10 7 10 23 10 60 10 67 10 83 ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जो है कैलकुलेट करना है। अब आप ये समझिए, इस क्वेश्चन को यदि इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है इस रूल को फॉलो करेंगे, ऐसे दो 10 जिनका टोटल 90 आ रहा, वैल्यू कितनी कर देंगे 1। देख सकते हैं यहां ये 7 और ये 83, इन दोनों का टोटल आ रहा 90, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहां पर भी 23 और 67, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा 90, सो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे 1। और क्वेश्चन में 10 60 की जो वैल्यू होती है वो रूट 3 होती है, सो फाइनल इसके जी वैल्यू क्या आएगी रूट 3। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि लगातार 10 में यदि मल्टीप्लाई 1 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का टोटल 90 होगा। टोटल यदि 90 है तो वैल्यू 1 होगी, और वैल्यू यदि 1 है तो टोटल 90 है, दोनों क्रॉस है। क्वेश्चन में यदि दोनों का टोटल 90 दिख रहा है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, और यदि दोनों की वैल्यू 1 है तो इनका टोटल 90 लिख सकते हैं। क्लियर है, नोट करिए इसी जो है, कंटिन्यू करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x प्लस वाई और इंटू 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
और वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन 2x बाई 3 की। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही रूल हमारे पास में, दोनों का मल्टीप्लाई यदि 1 है तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का टोटल 90 होगा। इन इसका और इसका टोटल 90 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 1। क्लियर है? इन दोनों का टोटल एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। y से y कैंसिल हो जाएगा, x x कितना आया 2x की वैल्यू कितना 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को गौर करिए, यहां क्या लिखा हुआ है 2x और ये क्या लिखा है 2x, इसकी वैल्यू कितनी है 90, 10 90 बाई 3 कट करिए वैल्यू इसकी आ रही है 10 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा इज इक्वल टू 1 और वैल्यू कैलकुलेट कर रहा 10 3 थीटा की। तो देख सकते हैं आप लोग जो है अल्फा 10 अल्फा 10 बीटा 1 है और यहां पर भी दोनों का मल्टीप्लाई 1 है और ये तभी 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 90, इट मींस 2 थीटा 4 थीटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा 90। हमें रिक्वायर कितनी है 3 थीटा की, 4 और 2 कितना 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 90 और जरूरत कितनी है 3 थीटा की। देन यहां से 3 6 है, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 थीटा आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45। यहां पर ये वैल्यू 10 3 थीटा, वैल्यू 10 3 थीटा, थीटा कितना 3 थीटा वैल्यू कितनी 45, 10 45 कितना 1। जब आपको ये रूल क्लियर हो जाए तब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 4 थीटा प्लस 2 थीटा 4 और 2 कितना 6 थीटा, 6 थीटा 90 देन थीटा 15, 6 थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा 15 और 15 दिया 45, डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी 1। कोशिश करिए रूल को डायरेक्ट प्रिपेयर करने की, डायरेक्ट प्रिपेयर कर जो है इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो उनको जो है सीधे सीधे हम लोग ऑप्शन में टैली करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 10 11 10 29 और बी इज इक्वल टू 2 cot 61 cot 79, सो इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है ये फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 10 11 10 29, बी इज इक्वल टू 2 cot 61 cot 79। अब जो चार ऑप्शन गिवन है उसमें से टैली करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोग ये देख सकते हैं कि 10 और cot, 10 और cot में रिलेशन क्या होता है, 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन cot थीटा। एक काम करते हैं, इनको आपस में डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड किया जाए, ये a अपान b आएगा, ये 2 लिखा है इसको 1 बाई 2 करिए, ये 10 11 10 29 cot 1 अपान cot क्या होता है 10, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 11 और 79 इन दोनों का टोटल कितना हो रहा 90 डिग्री, सो इनकी और इनकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। 29 और 61 इन दोनों टोटल कितना हो रहा 90,
सो इसकी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। सो हम देख सकते हैं a अपान b इज इक्वल टू 1/2 और यहां पर क्या बचा, 1। मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, 2a की वैल्यू b आएगी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में यानी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वाई पे 90 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 2√6 एंड एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ sec x प्लस tan x। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, बनाते हैं, और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, y पे 90 है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, y पे कितना है 90 डिग्री, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, x y कितना है 2√6 एंड xz माइनस yz, इसकी जो वैल्यू है कितनी गिवन है, 2। सो वैल्यू फाइंड आउट करनी है sec x प्लस tan x फाइंड करना। एक फॉर्मूला होता है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू यदि x है, देन sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/x है, और ये आता भी कैसे है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस b a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आएगा, 1 होता है भाई फॉर्मूला, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब यहां प्लस है तो यहां माइनस हो सकता है, यहां भी माइनस है तो यहां प्लस हो सकता है, यहां x है तो यहां 1/x हो सकता है, यहां 1/x है तो x हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल sec थीटा प्लस है, माइनस भी हो सकता है, tan थीटा की वैल्यू 4 है। सेकेंड इक्वेशन अपने आप लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस की जगह प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, ये एक बेसिक शॉर्ट ट्रिक है। यहां पर xz माइनस yz गिवन है कितना, 2, और कैलकुलेट का क्या करना है, sec x प्लस tan x, ये कैलकुलेट करना है। आप ये देखिए xz yz, इस ट्रायंगल की दो साइड यूज की गई है, देखिए ध्यान से, xz एंड yz, xy नहीं यूज किया गया, एक काम करते हैं xy से डिवाइड कर दे, अब आप इस पे यदि गौर करेंगे, ये इस ट्रायंगल के लिए xz ये लिखा है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, xy यानी ये लिखा है बेस, कर्ण बटे आधार, ये sec x होता है इस क्वेश्चन के लिए। इस ट्रायंगल से यदि sec x फाइंड करेंगे तो ये आएगा, इसे देखते हैं क्या आएगा, yz परपेंडिकुलर और अपान में xy आधार, लंब बटे आधार, ये tan होता है और ये माइनस है, इज इक्वल टू 2/ एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है, 2√6, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, सो फाइनल sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1/√6। अब आप यहां से देखिए, sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 4 है, देन यहां माइनस की जगह प्लस करके 4 को 1/4 कर सकते हैं, बाय दिस मेथड
सिक्स एक्स प्लस टेन एक्स, ये वन अपॉन रूट सिक्स है, माइनस से प्लस हुआ, वन अपॉन रूट सिक्स है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसमें आएगा, रूट सिक्स, और हमें अपने क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है। सो आप देख सकते हैं केवल एक्स वाई को डिवाइड करने से और इस रूल से ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। सो हम लोग और भी इसी तरह वीडियो देखते जाएंगे, नोट करिए क्वेश्चन जो है।